अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर से पढ़ रहे हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। दरअसल कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसका पहले नाम हमें समझना होगा। कोवेलेंट बॉन्ड में दो वर्ड्स बनते हैं, एक बनता है को जिसका मतलब होता है कंबाइन और दूसरा जो वर्ड है वो वैलेंट है विच मीन वैलेंस शेल। जब दो एटम्स अपने वैलेंस शेल को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं इसलिए कि वो अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऐड कर सकें, या हाइड्रोजन के केस में दो इलेक्ट्रॉन कर सकें अपने वैलेंस शेल में, तो इसलिए डेवलप होने वाली अट्रैक्शन को या कॉम्बिनेशन ऑफ शेल को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन इसकी जो क्या है, दैट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। जब दो एटम्स बराबर के इलेक्ट्रॉन्स को आपस में एक दूसरे के साथ बांटें, शेयर करें, तो बनने वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड में यहां पर अगर हम देखें, हम पेंट ओपन कर लेते हैं, हमारे पास एक एटम है और वो एटम है क्लोरीन का, Cl। क्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन को अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो मेरे क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है वो हो जाएगा कंप्लीट। और यहां पर इसके कंट्रास्ट में मेरे पास मौजूद है हाइड्रोजन जिसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर हाइड्रोजन को किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो उसका वैलेंस शेल भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। अगर मैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी निकालता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 0.9। और हम और आप ये बात जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या उससे बड़ा होगा तो ही इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होगा, अदरवाइज दोनों एटम्स को इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होगा। तो एज पर रूल क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, बोथ एटम्स विल शेयर द इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, क्योंकि दोनों को एक एक की जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो दोनों अपना वैलेंस शेल कंबाइन करके एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे कि ये वाले दो इलेक्ट्रॉन कभी ये वाले दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे हमारे क्लोरीन के एटम के ऊपर, और कभी मेरे ये वाले दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे हमारे हाइड्रोजन के एटम्स के ऊपर। तो रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में ये होगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन जितने क्लोरीन के होंगे उतने ही हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का शेल भी कंप्लीट हो जाएगा और क्लोरीन का शेल भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो बनने वाला जो बॉन्ड है वो क्या कहलाएगा, बनने वाला बॉन्ड कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, और उसको हम एक सिंगल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की भी चर्चा करते चलें। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तीन होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो एटम्स आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो बनने वाला बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। जब दो एटम्स के दरमियान में दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो बनने वाला बॉन्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, और जब दो एटम्स के दरमियान तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो बनने वाला बॉन्ड कहलाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम कुछ, यहाँ पर हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, सिंपल सी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। जैसे कि मेरे पास मौजूद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसके आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर मैं इसके कंट्रास्ट में एक और ऑक्सीजन को ला करके खड़ा कर दूं तो उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4,
5, 6 ऑक्सीजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं जैसे कि ये, तो उसका आखिरी शेल हो जाएगा कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा? तो बराबर वाला जो ऑक्सीजन, एक नया ऑक्सीजन का पड़ोसी है, ये आया है, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों एटम्स आपस में मिलकर इन दो दो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे। और इन दोनों एटम्स के आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से क्या होगा, दोनों का वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अब ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन चार इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दोनों एटम्स का इक्वल शेयर होगा, इक्वल राइट होगा। ये चार इलेक्ट्रॉन कभी रिवॉल्व करेंगे मेरी इस ऑक्सीजन के एटम के ऊपर, जब ये चार इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो चार इसके अपने और चार शेयरिंग के जरिए आने वाले, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब ये चार इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर रिवॉल्व करेंगे, गोल गोल घूमेंगे इसके ऊपर, तो इसका शेल भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्ट में बना डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे टिपिकल और कॉमन एग्जाम्पल है नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दूसरे शेल आखिरी शेल के 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। अगर फर्ज करें इससे एक और नाइट्रोजन रिएक्ट करने आया, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन, और ये दोनों मिलकर बनाएंगे, क्या बनाएंगे दोनों मिलकर, N2, यानी कि नाइट्रोजन गैस। जिस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया था, O2 बनाया था। अब दोनों ही नाइट्रोजन एटम्स को इत्तेफाक से 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो दोनों ही आपस में इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। शेयर करने के बाद ये 3 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, 6। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स पे इस नाइट्रोजन का भी राइट है और इस नाइट्रोजन का भी राइट है, ठीक है। तो दोनों के मिलाकर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। और इस तरह से बना नाइट्रोजन N2 बॉन्ड, और जो कि एग्जाम्पल है हमारे पास किस चीज की, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और भी एग्जाम्पल्स दी हुई है, लेकिन आपको आसान डेफिनेशन ही समझानी थी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। बस ये बात याद रखिएगा कि दो एटम्स के दरमियान में अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 1, 2, 3 और 4, कार्बन 1, 2, 3, 4 अलग अलग हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो उसको भी हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। हम ये नहीं बोल देंगे कि टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मगर कैसे, अलग अलग हाइड्रोजन के साथ, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही माने जाएंगे। हाँ, अगर ऑक्सीजन अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर कर दे लाइक कार्बन के साथ, तो अब बनेगा कौन सा बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल यहां पर देख लो आप, इसकी कार्बन के आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4। कार्बन के साथ रिएक्ट करने के लिए पहुंचा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है जी। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ऑक्सीजन कार्बन को ऑफर करेगा कि भाई मैं आपसे 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर नहीं कर सकता, बट आई कैन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन कहेगा ओके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आप मुझसे 4 इलेक्ट्रॉन के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और बनाएंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली फर्ज करो कि मेरे पास, इस कार्बन के पास रिएक्ट करने के लिए आया हुआ था कौन, हाइड्रोजन भी रिएक्ट करने के लिए आए हुए थे दो। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन अपने साथ रिएक्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ला सकता है। अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को यहां चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को यहां चाहिए। और कार्बन को इत्तेफाक से हाइड्रोजन ने आकर ऑफर दिए 1 इलेक्ट्रॉन की, तो कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो ये वाला बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो ये कहलाएगा आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये फर्क होता है,
जब दो एटम्स आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, और जब दो एटम्स आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। सिमिलरली जब दो एटम्स आपस में तीन तीन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो उस तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो वो फॉर्म करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रहे, इस केमिकल कंपाउंड का नाम है मिथानॉल, यानी कि METhanol, मिथानॉल, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब आ जाते हैं जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर। कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी किस्म का कोई फ्री घूमने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता। आपने देखा कि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर मौजूद जो दो मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो एटम्स के बीच में स्टक होते हैं, फंसे हुए होते हैं। उन दोनों एटम्स को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हो। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो किसी किस्म की इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन भी नहीं होगी। इसी तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं, लो होते हैं। आपने देखा कि एटम्स ने एक दूसरे के साथ सिर्फ शेल कंबाइन किया हुआ है, वो भी इसीलिए कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड नहीं है, दे आर जस्ट क्लोज टू ईच अदर। तो बस वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, क्या पता गैस भी हो, और उनके दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज भी नहीं होता। तीसरी और आखिरी, चौथा और आखिरी पॉइंट, दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं आमतौर पे पोलर सॉल्वेंट पानी जैसे कंपाउंड में हल नहीं होते, बल्कि पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, इस तरह के केमिकल कंपाउंड में डिसॉल्व होते हैं।